अगर दोस्तों ये सीढ़ी बनाने का सोच रखे हो ना, ये चीजें बिल्कुल मत करना। ये चीजें देखो, सीढ़ी काफी ज्यादा ही एक गलत चीजें हुई है। यहाँ पे सीढ़ी में कोई वाइब्रेटर नहीं चलाया गया है। हनीकम्ब एकदम A1 ग्रेड का भाई, कि इतना खराब सीढ़ी हमने आज तक देखा ही नहीं है कहीं। ये RCC वाला सीढ़ी है और हमने आज तक इससे खराब सीढ़ी हमने कहीं नहीं देखा है, सच्ची बता रहा हूँ। ये चीजें गलत क्या क्या चीजें है सुन लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी खराब कर लो। यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हुआ है, काम कुछ भी सही नहीं हुआ है। देख लो, ये कॉलम भी खराब है, ठीक है, एक भी कॉलम सही नहीं है। कॉलम भी खराब है, टोटल का टोटल स्लैब भी खराब है, टोटल का टोटल। ये स्लैब आपको दिख रहा है यहाँ से, अच्छा है, ये पूरा खराब है, पूरा खराब है। ये सीढ़ी भी पूरा खराब है। ये घर कब गिरेगी पता नहीं। इसका ज्वाइंट देख लो, ये जो ज्वाइंट है ये भी एकदम थर्ड क्लास की है। ये कब यहाँ से टूट के ब्रेक होके गिर जाएगा पता नहीं है हमें। ये चीजें देख लो, हनी कम देख लो यहाँ पे, ये क्या मजबूताई है भाई, हमें समझ भी नहीं आ रहा है। ये देखो, ये कब तक की घर चलेगी पता नहीं। ये इस हिसाब से बनाया गया है सीढ़ी कि ये घर कब गिर जाएगा सीढ़ी पता नहीं। ये देख लो, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हो गया, अभी मिट्टी पूरा बैठ रही है, छोड़ रहा है दीवारें। बताओ, ये चीजें देख लो। तो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे ना ही कोई एंगल सही से लिया गया है। क्या है एंगल? ये एंगल सही से नहीं लिया गया है। जो सीढ़ी कुछ इस हिसाब से उठ गया, ऐसे उठ गया सीधा, देख लो, कुछ ऐसे उठ गया सीधा। सीढ़ी हमेशा हल्का इस हिसाब से बनाया जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग और बीमार लोग चढ़े अच्छे से, ठीक है। बाकी फ्रेश लोग तो आराम से चढ़ जाएगा, कैसा भी सीढ़ी रहे। बूढ़े बुजुर्ग और बीमार लोग के लिए बनाया जाता है अच्छे से सीढ़ी, कि सभी को चढ़ सके। तो यहाँ पे देखो, राइजर, राइजर समझ में आ रहा है क्या होता है? देखो, यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे, एक स्टेप जंप किए, राइजर, यहाँ से यहाँ तक जंप किए, राइजर। ये चीज़ें होती है राइजर, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा गलत है। उसके बाद आता है ट्रेड, जिसमें पैर रखते हैं, इस पर पैर रखते हैं ना, ये पैर रख के फिर यहाँ पे पैर रखते हैं, फिर यहाँ पे पैर रखते हैं। ये भी आपका पूरा का पूरा गलत है। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, सही से पैर भी नहीं आएगा आपका। अगर पैर रखो तो ये देखो, पैर आपका सही से पैर भी नहीं आएगा। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेड है, ट्रेड भी गलत है। ट्रेड अब गलत कैसे है भाई? ये कम से कम 8 इंची होना चाहिए, जो 8 इंची आपको कहीं नहीं दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखेगा, मिनिमम बता रहा हूँ, ये 8 इंची कहीं नहीं होगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ और क्या है आपका इसमें गलत, पता है क्या गलत है? ये एंगल तो पूरे से गलत है। लैंडिंग थोड़ा बहुत सही बोलो, लैंडिंग क्या है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ये भी गलत है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको दिखा सही बताओ, ये एंगल आप लोग फाइंड करके बताना कि कितना आएगा। अगर मान लीजिए कि ये 10 इंची है, तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं हमें कमेंट करके बताना। नहीं पता है, हम जानकारी देंगे, लेकिन सही जानकारी लो। क्या है? सही जानकारी लो। देखो यहाँ पे कॉलम भी कहीं पे भी सही नहीं है। देखो यहाँ पे कॉलम, ये देखो, ये चीज़ें हैं कॉलम। बताओ भाई, ये चीज़ें हैं कॉलम। देखो यहाँ से ऐसे हुआ है, ठीक है, ऐसे किया है, फिर ऐसे मारा है टायर। देखो ये कब गिरेगा घर भाई? ये 2 तल्ला है, इसको बाहर से दिखा दे रहा हूँ अभी आपको। ये चीज़ें हैं गलत, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है इस हिसाब से। देखो सरिया भी दिख रहा है पूरे से, ये गलत है ना गलत। देखो यहाँ पे हनी कम्प है पूरे से, कुछ नहीं है ये घर में, कुछ नहीं है। घर कब गिरेगा पता नहीं। ये समझो कि बी क्लास का घर नहीं, ये सी क्लास का घर बन चुका है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरह। बाकी इसमें और कुछ जानना है तो कमेंट करके बताना। बाकी हम अगले वीडियोस में आपसे मिल रहे हैं। देख लो, ये पूरा चीज़ें इसमें गलत है। तो सीढ़ी जब भी बना रहे हो तो आप पहले सही से सीख लो क्या कैसे है नहीं है। हमने बहुत सारा इस पे वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाके देख लो, देखने के बाद फिर समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें रही। बाकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करो और पूछ लो, कुछ भी जानकारी आपको लेना है और जो भी कुछ आपको पूछना है ना, कुछ भी, घर बनाने से रिलेटेड, ब्रिज बनाने से रिलेटेड, रास्ता से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग का कुछ भी चैप्टर आप लेके पूछ लो हमसे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। ये चीज़ें मत करना, सब कुछ देख लो एक बार और अच्छे से। देख लो, ये देख लो, ये रहा सीढ़ी भाई साहब, गयो, चलो बाय।